सीएनसीटी करनाल में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हो चुके हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहां बेखौफ बदमाश बड़े आराम से आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और बाद में पुलिस मामला दर्ज कर जल्दी उन्हें पकड़ने की बात करती है। अगर बात की जाए ताजे मामले की तो बेखौफ फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के सामने इनोवा में बैठे चार लोगों पर जमकर गोलियां बरसाई। सड़क पर खड़ी फॉर्च्यूनर कार के शीशे पर गोलियों के निशान, मौके पर लगा लोगों का जमावड़ा और छानबीन करती पुलिस। ये नज़ारा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल का, जो एक बार फिर बदमाशों की गोलियों से दहला उठा। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि यहाँ बेखौफ बदमाशों ने कानून को ताक पर रखते हुए नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के सामने ना आव देखा ना ताव, बस देखा तो अपने सामने इनोवा में सवार कुछ लोगों को, जिनको इन बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। फॉर्च्यूनर में सवार बदमाशों ने कुछ ही सेकंड्स में इनोवा में सवार चार युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे इनोवा सवार चारों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीन ने दम तोड़ दिया जबकि चौथे का डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। इस गोली कांड को बारीकी से देखने वाले लोगों की माने तो बदमाशों ने बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम दिया और 9:00-11:00 हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। वहीं दिन दिहाड़े हुई इस वारदात के बाद शहर के लोग दहशत में हैं और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मिनट पहले निकले जी, जैसे हम अपने ऑफिस में पहुंचे तो हमारे को पता चला भाई यहाँ पर मनन चौक पे यहाँ कोई इनोवा गाड़ी में आया है और जो फॉर्च्यूनर में हमारे जो अपने जान पहचान के व्यक्ति थे उन पर फायरिंग उन्होंने की है, जिसमें क्या नाम फॉर्च्यूनर में 5 व्यक्ति थे, एक नरेश जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, एक राजेश जो उसमें साइड में बैठा था, एक चांद और एक राजेश और एक और था जी मनोज जी गुलाबा। गाड़ी में 7-8 व्यक्ति थे, इनोवा गाड़ी में थे जी, सिल्वर कलर की इनोवा थी जो नमस्ते चौक की तरफ आ गया, नंबर था उसका HR 26 48 25। उसमें 2 व्यक्ति एक्सपायर हो चुके हैं जी, एक नरेश मौके भी यहाँ पे डेड हो चुके थे, जो हम अपनी गाड़ी में गिर गए जो सिविल हॉस्पिटल में ले गए, हम वहाँ से अभी फ़ोन करके हमने पता करा अभी 2 तो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसका एक यशिव कॉलोनी से था नरेश, एक राजेश जैनी जो मौके पे, मेरा सतीश कुमार MC वार्ड नंबर 15 जी, मेरा ही वार्ड है जी। CNCT करनाल में जिस तरह से वारदात हुई उससे एक बार फिर जनपद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे करनाल पुलिस कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब इस गोलीकांड में पुलिस ने बेखौफ बदमाशों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस गोलीकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों के गिरेबान तक कब तक पहुंच पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।